इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में चार रुकनी बेंच समाप्त कर रहा है। इमरान खान के वकील बाबर अवान इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए हैं। इमरान खान की जानिब से दोनों केसेस में जवाब जमा कराया है और इमरान खान ने मुआफी मांग ली है। आपको अपडेट करें कि इमरान खान ने वोट की सीक्रेसी अफशा करने पर मुआफी मांग ली है। याद रहे कि इमरान खान साहब ने जब वोट दिया था उस पर इमरान खान ने मुआफी मांग ली है और बाबर अवान इस वक्त पेश हुए हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे से, इसी पर बात करेंगे आबिद राही से भी, लेकिन अभी आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान ने इस तमाम तर मामले पर मुआफी मांग ली है। इमरान खान की तकरीर वाले मामले पर मुआफी को देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये मौकिफ सामने आया है। इमरान खान की जानिब से वोट की राजदारी अफशा करने और मुतनाज़ तकरीर का मामला और इस पर इमरान खान ने माफी मांग ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में चार रुकनी बेंच समाप्त कर रहा है। इमरान खान के वकील बाबर अवान आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं और इसी तमाम तर मामले पर इमरान खान ने मुआफ़ी मांगी है। इमरान खान की जानिब से दोनों केसेस में जवाब जमा कराया गया है और जवाब में मुआफ़ी मांगी गई है और इमरान खान की तकरीर वाले मामले पर मुआफ़ी को देख लेते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं।